है, हम बहुत दिन से भटक रहे हैं, बाबा हमें माफ करो, बाबा हमें माफ करो। और हमें तो करीब 20 साल है, सन 2004 से जुड़ी थी। और ये जो भूत वगैरह जिसपे आत्मा आती है वो बाबा से चिल्लाती है, विनती मांगती है, बाबा हमको माफ कर दो, हम मोक्ष चाहते हैं बाबा। हाथरस में जो हादसा हुआ उसे देखकर दुनिया वाले तमाम लोग सोचते नजर आ रहे हैं कि आखिर जो परिस्थितियां बनी वो बेहद दर्दनाक थी, और अब तमाम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। हम लोग हाथरस में ही हैं और लगातार उससे आगे निकल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गांव है मानिकपुर गांव, और यहां पर कुछ लोग मेरे साथ हैं। ये सारे के सारे लोग जो आपको नजर आ रहे होंगे बाबा के अनुयायी हैं, और ये गांव पूरा का पूरा लगभग आप मान सकते हैं जहां पर बाबा के फॉलोअर्स हैं। तो जरा कुछ समझ लेते हैं इनसे। उस दिन जब हादसा हुआ, क्योंकि ये शख्स जो थे उस दिन मौजूद थे जब वो सत्संग चल रहा था, तो सत्संग जब आप करने पहुंचे तो क्या हुआ था वहां पे? मतलब सत्संग जब चलना शुरू हो गया तो हम लोग अपने बैठ के और प्रवचन सुन रहे हैं, उनके प्रवचन सुनते रहे। कुछ वहाँ एक मतलब भूत वाले आ गए जिन पर भूत था, वो चिल्ला चौथन करने लगे, चिल्ला चौथन करने का कहने लगे कि हम पर मतलब खाई से है, हम बहुत दिन से भटक रहे हैं, बाबा हमें माफ करो, बाबा हमें माफ करो, हमें मतलब रास्ता दिखाओ, ऐसे करके कहने लगे। तो वहाँ बाबा ने फिर मतलब ऊंची आवाज में कुछ कहा, चुप रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर बाकी बाद थोड़े से प्रवचन किए, उसके बाद मतलब आरती शुरू कर दी, आरती शुरू करी, और आरती शुरू करने के बाद ही उसी के साथ ही साथ वो चले गए बाबा से। और जब बाबा ने उन लोगों से कहा चुप हो जाओ जो अपने आप को कहते हैं उन पे आत्मा कोई आई हुई है, तो सब चुप हो गए? नहीं, तो वो चीखते रहे, आरती चलती रही है, फिर उनकी आवाज हम तक ना आई, हम दूर थे तो आवाज ना आई आरती की गूंज में, मतलब उनकी आवाज नहीं आई, वो तो चीखते रहे हैं। अच्छा, वहां से हम लोग चल दिए, चले आए, और बाबा श्री भी चले गए आरती करने के बाद, हम चले आए और बाबा श्री पहले ही चले। अच्छा, ये बताइए जरा कि बाबा का जो सत्संग होता है, क्योंकि आप लोग सब पुराने लोग हैं और बाबा को बहुत पहले से आप लोग मानते आए हैं, जो सत्संग होता है वो कैसे शुरू होता है? मतलब सत्संग शुरू होता है, फिर उसका जो बाबा प्रवचन देते होंगे वो देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? पहले जैसे अपनी अपनी बीती चर्चा, जैसे जिन लोगों को फायदा हो तो जैसे प्रार्थना वंदना सुबह को है जाते हैं 11 बजे करीब, फिर जो बुलाता है कि जिन लोगों को फायदा हो तो वे लोग अपनी अपनी बीती चर्चा सुनाते हैं कि हमें ये परेशानी, तो बिन लोगों की परेशानी जैसे सही है जाते हैं, तो वे अपनी अपनी बीती सभी लोग सुनाते हैं, फिर बाबा श्री आ जाते हैं, फिर वे अपने प्रवचन देते हैं। तो प्रवचन देते हैं तो मानो सब सुनते हैं आराम से खूब। और हमें तो करीब 20 साल है गई, हम सन 2004 से जुड़े भाई। प्रसाद के रूप में क्या मिलता है आप लोगों को? प्रसाद कोई चीज ना, वैसे नींबू प्रसाद जैसे होता है ना, जहाँ तो ना हो काला, वैसे जहाँ तो पानी में नींबू डाले के, और जैसे पूड़ी प्रसाद हो तो वो सबको तो ना मिल पाएगा, इतनी भारी भीड़ होती है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि काढ़ा जो बाबा देते हैं उससे मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं, फायदा लोगों को मिलता है, बीमारी दूर होती है। बाबा तो ना देते, मतलब बाबा का प्रसाद जो बाबा के उसमें होता है, तो ये तो अपने लोग खुद ही देखो बना बना के घर पे पी लेते हैं, और तब भी फायदा हो तो है। और जैसे वो नींबू प्रसाद बोलते हैं उसे, नींबू प्रसाद जैसे चाय पत्ती डालते हैं, इलायची डालते हैं, नींबू डालते हैं, उसमें कुछ चीनी भी डालते हैं, घर बना के पी लेते हैं चाय की तरह, तो वही प्रसाद वो प्रसाद। तो उस प्रसाद से लोगों को फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। कुछ लोग मतलब जय जयकार भी करते हैं, नींबू का तो मतलब रस वैसे भी पियो तो गर्म करके तो भी फायदा होगा तुम्हारे, ये पक्की चीज है। और कुछ गिलोय भी डालते हैं, और वैसे तो कोई कुछ हमारे समय में तो सब कारण हुआ है कि जैसे लेडी थी ना वो चरण वंदना मतलब रज लेने के चक्कर में। अच्छा, जरा आप समझाओ मुझे, आप कितनी बार गई हो बाबा के दर्शन करने? हम गई 10 साल है। अच्छा, लोग कह रहे हैं प्रेत आत्माएं आती थी, लोग मतलब जिन पे आती हैं वो भी अपने आप को दूर करवाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो आपने कभी देखा ऐसा? हाँ, भूत आते हैं बाबा, भूत आते हैं, आते भी अगल बैठा दे जाता खेल भी खेल दूसरी जगह अगल बैठा के,
तो वो अपने कबूनते है कि हम जे जिंदे हैं कि भूत है चुड़ैल है हमें बचा लो परमात्मा बचा लो तो ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के जाएंगे और हम लोग जो सत्संग करते हैं वो अगल जो सत्संग बैठते हैं वो अगल बैठते हैं। अच्छा लेडीज अलग रहती हैं, जेंट्स अलग रहते हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया आती है तो अचानक हो ही गया है। ठीक है। अच्छा जरा जो भूत प्रेत की बातें आती हैं कभी आप में से किसी के साथ कोई ऐसा दिक्कत हुई जो आप लोग गए हो आपके गांव का कोई गया हो जो उसकी दूर हुआ? भैया मोह तो भूत कब नहीं आए मोह न आए कब खूब गए बहुत सालन लोग गए फिर मोह भूत आया है सुनता रहता है बैठे हम तो हाँ सुनते रहते हैं बैठे हम पे भूत कब नहीं आए। अच्छा वो कभी ऐसा हुआ कि बाबा से उसमें आप गए हो तो आपने देखा खूब सारे भूत जो है वो हाँ खूब खेलते कूदा था पटाखे खाते हैं खूब खेलते हैं गांव में ऐसे ही डरे और भैया लोग खेलते हैं बना में वे कम खेलते हैं जनानी ज्यादा खेलती हैं लड़की नहीं जनानी ऐसे खूब मूड पटकता है बुरी तरह ऐसे गांव में डरे पकत तो ना कोई ना है न पकतो न उठातो है चिल्ला चिल्ला खोदाई। अच्छा, अपने आप सही हो जाता है। बाबा क्या बोलते हैं उनसे जब भूत आते हैं लोगों पे? कुछ ना चुपचाप बैठे रहते हैं। तो भूत खुद कहता है कि बाबा हमें छोड़ दो बाबा हमें छोड़ दो भूत खुद कहता है कि बाबा हमें छोड़ दो बाबा हम पे गलती हो गई अब नहीं आएंगे ऐसी बातें करता है। बाबा क्या रिप्लाई करते हैं उनको क्या बोलते? बाबा कहते हैं कि चलो अब गलती हो गई सो गई अब आंदा ऐसी गलती मत करना आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या कोई भगवान थोड़ी हाँ। अच्छा जरा ये समझाइए मुझे कि बाबा जो हैं वो ये बात आती है कि जैसे चश्मा पहनते हैं तो प्रेतात्माओं से बात करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि वो चश्मे का प्रयोग भी होता है मतलब ये भी कभी ऐसा हुआ क्या आप लोगों के सामने आपने देखा हो कि बाबा बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं बाबा और जो खेलते हैं वो बात करते हैं बाबा बात करते हैं चश्मा फसमा की कोई रोल नहीं है उसमें बात करते हैं बाबा और और दूर दूर से ही देखते हैं हम लोग और ये जो भूत वगैरह जिसपे आत्मा आती है वो बाबा से चिल्लाती है विनती मांगती है बाबा हमको माफ कर दो हम मोच चाहते हैं बाबा अब आंधा के लिए अब ऐसा नहीं होगा। तो फिर कुछ देर बाद बाबा कहते हैं चलो ठीक है उसके बाद फिर वो लोग शांत हो जाते हैं। और जो मिलता है वो काला प्रसाद के तौर पे मिलता है जो नींबू पानी आप बता रहे वो सबको नहीं मिल पाता है जो रस्ते में लोग बांटते हैं सेवादारी होते हैं तो कुछ लोगों को मिल जाता है कुछ लोगों को नहीं मिलता जिसको मिल जाता है कुछ लोगों को मिल जाए कुछ को नहीं मिलता। अच्छा ये बातें आती हैं जैसे बाबा की पूरी अपनी एक पुरुषों की आर्मी है मतलब सेना है नारायणी सेना और नारायण सेना तो ये सेना जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनको तो वैसे यही सेवा कोई काम हो तो ये तो ये पानी पे आता है और जैसे संगत को इधर उधर भागदौड़ न है पाए तो भाई रोकते हैं सेना को हाँ भीड़ इकट्ठे मत हाँ इकट्ठे मत हो निकलने दो हाँ और ये जैसे भाग दौड़ करता है तो बिना रोकता है तो बे तो अच्छा पर्ची जैसा पर्ची वाला सिस्टम आप बता रहे थे कि पर्ची आ जाती है और बाबा को जो पर्ची चाहिए होती है उस पर्ची के हिसाब से उस आदमी से बात कर लेते हैं और ना, पर्ची वाला पर्ची जैसे अपनी दरखास्त जो होती है दरखास्त आप बाबा तक कैसे पहुंचाते हैं? वो तो अपनी अपनी श्रद्धा लेके जाते हैं और बामानो वो सुनते हैं बाबा प्रवचन देते हैं तो बाइक बिना को कल्याण है वो पर्ची बताते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि जैसे पर्ची हमको भजन गाना है कोई हाँ, तो वो पर्ची पर लिखे हम दे देते हैं हाँ तो वो भजन जब उसका नंबर आ जाता है गाने वाले का तब उसे बुलाते हैं तब जाते हैं भजन गाने के लिए। अच्छा हाँ